दोस्तों मेरा प्यारा भाई नमस्कार। मैं दबो प्रत अधिकारी, आज थोड़ा पहचानने में आपको दिक्कत होगा क्योंकि मैंने इधर थोड़ा गर्मी बढ़ने के कारण बाल और मूछ को थोड़ा छोटा छोटा कर लिया, क्योंकि 15 दिन से 1 महीने के अंदर फिर बड़ा बड़ा हो जाता है। बारिश के बाद थोड़ा बहुत गर्मी बढ़ा है बीच में, फिर भी काम तो करना है और सेहत भी सही रखना है, और ऊपर जो चौथी मंजिल के ऊपर कल्टीवेशन करता हूँ उसमें भी थोड़ा धूप में काम करते करते थोड़ा काला भी पड़ गया चेहरा, देखिए थोड़ा ठीक है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग हूँ, फिट एंड फाइन हूँ दोस्तों, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं देवव्रत अधिकारी फिर से ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे क्यों रखा है देखिए, ये है एक प्रोजेक्टर आया हुआ है आंध्र प्रदेश से, एड्रेस आपको दिख पा रहा है ठीक है ना। मेरा एड्रेस ये है, भेजा है आज ही, आज है आपका 1 जून 2022 रात को 8 बजे ये पार्सल मिला है DTDC की तरफ से, ये दीजिए ठीक है ना। झूठ मूठ का कहानी नहीं बोल रहा हूँ, कितना सुंदर बढ़िया पैकिंग किया है ठीक है ना कस्टमर ने। ये भाई साहब हिंदी नहीं बोल पाता, सिर्फ अंग्रेजी और उनका जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का है। देखिए एड्रेस क्या लिखा है, एल रमेश, मतलब इनका नाम है एल, मतलब लंका, लंका रमेश इनका नाम है, और इनका जो एड्रेस है मालिलापुरम पिन कोड, और इनका मोबाइल नंबर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अगर विश्वास नहीं है तो, यूट्यूब से वीडियो देखकर सेटिस्फाइड होकर उनका प्रोजेक्टर भेजा है, एप्सन S41 का ये प्रोजेक्टर है ठीक है ना, एप्सन का 41 प्रोजेक्टर है, LCD प्रोजेक्टर है। अभी आप लोगों के सामने मैं लाइव खोलूंगा, साथ में रहिए, मेरा बातों में थोड़ा गौर कीजिए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल ये नाम का जो चैनल मैंने बनाया हूँ, एक ही मकसद से योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। तो मैं अगर खुद हेल्दी नहीं रहूंगा दूसरों को कैसे अवेयरनेस दे सकता हूँ, और मैं अगर खुद काम नहीं जानता हूँ दूसरे को कैसे बोल सकता हूँ आप प्रोजेक्टर मेरे पास भेज दीजिए, मैं काम करके आपको वापस देता हूँ। ये ऑलरेडी रनिंग हो गया लॉकडाउन के बाद, ऑलरेडी रनिंग हो गया, लेकिन जो फेवरेट कस्टमर है उनका मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये भी मेरा फेवरेट कस्टमर है, अंग्रेजी में ही इनसे बातचीत चलता है, मैं भी थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ अंग्रेजी बोलने में, थोड़ा सॉर्स खुजला के बोलता हूँ, लेकिन कोशिश का नाम जिंदगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्लुएंटली बोलने के लिए ठीक है ना, 2-4 वर्ड आ जाता है। तो चलिए दोस्तों ये बड़ा बात नहीं है, जैसे ये रात में मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो घर में बल्ब जल रहा है ना, थॉमस एडिसन ने बनाया था, एक बार इनका चेहरा देख लीजिए, ये थॉमस एडिसन स्कूल ही नहीं गया था, फिर ये सर ने कैसे इतना बड़ा कारनामा किया है, पूरा विश्व को आलोकित किया है बल्ब बनाकर, सोचिए। तो मैन कैन डू एवरीथिंग। तो चलिए दोस्तों आज ये प्रोजेक्टर अभी आप लोगों के सामने लाइव मैं खोलूंगा, देखिए प्रोजेक्टर का विवरण, साथ में रहिए, खोलता हूँ धीरे धीरे ठीक है ना। पूरा सेलो टेप से एकदम ढक दिया, मैं इनको बताया था चैटिंग जब किया था, जो मैं बताया था सर मेरे पास प्रोजेक्टर भेजने से पहले मेरा पैकिंग किया हुआ वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हिंदी वीडियो देखकर ही मेरा कस्टमर बना है, लेकिन वो हिंदी बोल नहीं पाता, समझ पाता है थोड़ा बहुत, तभी तो ये देखने के बाद ये किया है। देखिए लाइव में खोल रहा हूँ बात करते करते, बहुत सुंदर पैकिंग किया है। आदमी अगर कोई दिल से सोच लेता है कुछ करने का, कर पाता है, मुमकिन है ना, आदमी बहुत कुछ वजूहत दिखाता है हमारा ना, हाथ दो हाथ, एक हाथ, ये एक हाथ, ये दो हाथ और पीछे और एक हाथ है वजूहत। हम कुछ काम नहीं करना चाहेंगे तो बोलेंगे मेरा पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम था, ऐसा था, ऐसा था, फलना था, ना करने का बहाना, वजूहत मतलब ना करने का बहाना, उसको वजूहत बोलते हैं। तो हमारा दो हाथ होने के नाते और एक हाथ है वजूहत। तो देखिए
वजूहत को ये भाई साहब हमारा रमेश सर ने कैसे भेजा है एक बार देखिए। लाइव खोलता हूँ आप लोगों को जगाने के लिए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टर सर्विस मतलब प्रोजेक्टर मॉल, प्रोजेक्टर सेल्स मतलब प्रोजेक्टर मॉल। ये सेल्स एंड सर्विस का जीता जगता प्रूफ है प्रोजेक्टर मॉल, ठीक है ना। प्रोजेक्टर मॉल का इतिहास थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है। और आपको प्रोजेक्टर का कोई भी ट्रेनिंग चाहिए सिर्फ लिखिए प्रोजेक्टर फुल सर्विस ट्रेनिंग इन यूट्यूब, या कुछ भी लिखिए प्रोजेक्टर फुल सर्विस, लिखने से टॉपिक मेरा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों खोलता हूँ ये प्रोजेक्टर को। बहुत जबरदस्त पैकिंग किया है। मैं जो कहना चाहता हूँ समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफी है। मैं जो वीडियो दिया तो वो वीडियो देखकर कोई व्यक्ति ऐसा सुंदर पैकिंग करता है मतलब उनका भी नॉलेज है। देखिए एकदम अभी लाइव दिखाऊंगा, देखिए खोला हूँ, आप लोग लाइव देखिएगा। हाँ देखिए खोल रहा है। इनको फिर दोबारा इसी चीज से पैकिंग करके भेजना है। ये देखिए प्रोजेक्टर का बैग, ठीक है ना। और अंदर देखिए कितना सुंदर पैकिंग किया है। कार्टून भी डबल डबल दिया है, हैवी है, मैं हटा दिया। ये देखिए, ये देखिए, आप लोगों को मैं दिखाकर खोलता हूं। देखिए बैग के अंदर घुसाकर, अरे बाप रे बाप, बहुत जो भी हो इशारा मिलकर जैसे ही पैकिंग किया अच्छा किया। आप लोगों को मैंने सामने लाइव खोल रहा हूं, देखिए अंदर रिमोट पावर केबल सारा दिया है, देखिए, ठीक है। ये प्रोजेक्टर का रिमोट भी भेजा है, देखिए बैटरी के साथ, मतलब दिल से सच्चा आदमी है। मैंने मुझे बोला भी नहीं ये मैं देने वाला हूँ, रिमोट नहीं चाहिए था, जो भी हो भेज दिया। चलो आंध्र प्रदेश का अंगोसा मतलब गामसा बोलते हैं हमारा बंगाली में, ठीक है ना दोस्तों। कितना अच्छा लगता है एक कस्टमर ने विश्वास करके मेरे पास प्रोजेक्टर भेजा है। देखिए ईवी एस 41, देखिए ईवी एस 41 एप्सन का एकदम प्रोजेक्टर नया है, ठीक है ना। अभी क्या दिक्कत है आप लोगों के सामने, मैं लाइव ये ऑन करूंगा, साथ में रहिए। ये पावर केबल मैंने रेडी कर लिया, आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूं। देखिए पावर बटन में लाइट आया है, तो अभी ऑन करता हूं। हाँ आवाज भी हुआ है, देखते हैं क्या घटना घटता है। नहीं लाइट नहीं आता, देखिए फैन का आवाज पूरा बढ़ गया, लाइट नहीं आता। ये देखिए स्टेटस लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। एकदम दिखने में नया प्रोजेक्टर है, देखिए। मैं इसीलिए मना करता हूँ दोस्तों, ये एप्सन कंपनी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो प्रोडक्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर जितना कंपनी बनाता है नॉट लॉन्ग लास्टिंग। मुझे तो देखकर इतना हैरान नहीं लगता है, इतना सुंदर, इतना चकाचक सुंदर बॉडी है, देखने भी खुश होता है। लेकिन नया नया कुछ भी तो अच्छा दिखता है, वारंटी खत्म होने के बाद ये डूब जाता है, तो पैसा सफल नहीं होता। तभी मैं एकदम दिल खोल के बैठा हूँ आदमी को जगाने के लिए। दोस्तों प्रोजेक्टर शॉपिंग करना है तो प्रोजेक्टर मॉल से शॉपिंग करना है, नहीं करना है सजेशन लेकर दूसरी जगह कर दीजिए, डोंट वरी, उसके लिए भी मैं सजेशन दूंगा फ्री में, पैसा नहीं देना।
पैसा नहीं देना है मुझे, लेकिन आप सही चीज़ तो लीजिए, लेकिन इसको मैं बना के दूंगा, मैं जवान दिया हूँ, मैं इसको पूरा बना के दूंगा, फिर अंदर में जितना प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करके आप लोगों को मैं ये वीडियो में जोड़ दूंगा। ये वीडियो अभी ऐसे ही मैं रखूंगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इसके साथ ये पंचिंग करके मैं जोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इज्जत का मामला है, इतना दूर से मेरा बातों में भरोसा करके भेजा है, मैं बना के दूंगा और नया बना के दूंगा ताकि कम से कम 2-4 साल इनके घर में जाकर चले। कोशिश करूंगा, कोशिश का नाम जिंदगी, कोशिश का नाम सफलता, लर्निंग का नाम हेल्दी लाइफ, समझिए। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए चलते चलते रेड मार्क आ गया, ये रेड, ठीक है ना। अभी आज मैं वीडियो यहीं पे पूछ करके रखता हूँ, ये जब सॉल्ट आउट होगा मैं पूरा विवरण बताऊंगा क्या क्या हुआ है, कैसे सॉल्ट आउट किया, ठीक है ना। और इसका तो खोलने लगाना का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हूँ, साथ में रहिएगा, मैं वीडियो पूछ करके रखता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो प्रोजेक्टर मैंने दिखाया था जो आंध्र प्रदेश से आया हुआ है मालिलापुरम, तो प्रोजेक्टर रेडी कर लिया। तो दोस्तों मैंने खोलने का नहीं दिखाया इसीलिए क्योंकि मैंने अगर खोलना दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो एप्सन मॉडल का प्रोजेक्टर खोलने और लगाने का पूरा वीडियो ऑलरेडी है मेरा, तो वही दोबारा खोलने लगाने का दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं वो खोलने लगाने का अगर वीडियो नहीं देखे तो मैं कार्ड में पंचिंग करके दे रखता हूँ, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, खोलना लगाना देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और मैंने ये फुल सर्विस करने के बाद इसमें जो जो दिक्कत हुआ था या दिक्कत हुआ था वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। मैंने उस दिन बताया था, पूछ करके रखता हूँ, हाथों हाथ तो मुमकिन नहीं होता ना। तो देखिए दोस्तों, यही ये मेरा एड्रेस जो है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है ना, इनका एड्रेस जो है मालिलापुरम आंध्र प्रदेश से आया हुआ है। तो मैं इसका प्रोजेक्टर सेम बॉक्स में मैं दूसरा टाइप का पैकिंग करूंगा, मैं और इसी कार्टून में पैकिंग करूंगा, लेकिन और ज़बरदस्त पैकिंग करूंगा ताकि ये स्पीड पोस्ट में जाएगा और प्रोजेक्टर टूटेगा नहीं, ये एकदम 100% गारंटी के साथ। इसके ऊपर 100 किलो का बोझ भी धकेल देगा फिर भी ये नहीं टूटेगा, इतना मजबूत पैकिंग होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये पैकिंग किया हुआ एक वीडियो मैं इन स्क्रीन में देखकर रखता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, प्रोजेक्टर पैकिंग करने का बहुत फायदेमंद चीज़ है, मैं आज वो नहीं दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोजेक्टर मॉल का वादा है, ये प्रोजेक्टर मॉल जैसा प्रोजेक्टर का सर्विस इंडिया में कोई दे नहीं पाएगा और आगे देगा भी नहीं, ये मेरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और प्रोजेक्टर खरीदना है जरूर ये प्रोजेक्टर मॉल से खरीदिए, बहुत सारा प्रोजेक्टर है हमारे पास रेडी स्टॉक होता है, लेकिन खिलौना चीज़ हम लोग नहीं बेचते, तो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, आदमी का पैसा डुबाना हमारा मकसद नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर एकदम ज़बरदस्त तैयार हो गया, और एनी टाइप का कोई स्पेयर चाहिए बोलिएगा, प्रोजेक्टर मॉल से लेने का कृपया जरूर कीजिएगा, 100% ओरिजिनल स्पेयर ही देंगे दोस्तों, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सेम पार्ट इसके अंदर लगा दिया एकदम, ठीक है ना। ये जो लंका रमेश जी ने आंध्र प्रदेश से प्रोजेक्टर भेजा है इसके अंदर ये सेम ओरिजिनल पार्ट मैंने डाला हूँ, तो इसका प्रॉब्लम था। और ये लंका रमेश जी ने ये प्रोजेक्टर को, मुझे लगता है प्रोजेक्टर देखकर मालूम पड़ा, किसी को दिया हुआ था, थोड़ा छेड़छानी किया है, तो वहाँ से ये लैम्प का एमपीएल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी मैंने बदल दिया, ठीक है ना। अभी लैम्प भी नया और इसका ब्लास्ट यूनिट पूरा नया है, अंदर एकदम नया है और पिक्चर भी एकदम नया बन गया, अभी चला के दिखाऊंगा आप लोगों को, साथ में रहिए। प्रोजेक्टर सेल्स एंड सर्विस मतलब प्रोजेक्टर मॉल, ये बहादुरी नहीं है, आत्महंकार नहीं है, मैं चाहता हूँ हर घर में जब प्रोजेक्टर आने वाला है सही चीज जाए उनके पास, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सप्लायर उल्टा सीधा चीज ये कस्टमर को ना दे पाए, इसी उद्देश्य से मैं प्रोजेक्टर का सीक्रेट उबाल के देना शुरू किया। दोस्तों आज इंडिया में, बाहर का पता नहीं है, इंडिया में बहुत दुकानदार आदमी लोगों को गलत चीज पकड़ाकर पैसा हड़प ले रहा है, बाद में सर्विस नहीं होता, ठीक है ना। तो तभी
मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, एलसीडी प्रोजेक्टर मत खरीदिए, एलईडी प्रोजेक्टर भी मत खरीदिए। एक कहावत है, महंगा रुए एक बार और सस्ता रुए बार बार। आप सस्ता वाला चीज लेंगे आपको रोना पड़ेगा बार बार, लेकिन महंगा वाला चीज सही चीज लेंगे एक ही बार रोएंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग करेगा, देखकर शांति मिलेगा। प्रोजेक्टर कैसा नया बनाया हूँ देखिए, दावे से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रोजेक्टर का काम सीख लीजिए, जान लीजिए ये प्रोजेक्टर चैनल का माध्यम से। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ। प्रोजेक्टर का काम सीखेंगे उससे पहले हेल्थ पूरा स्ट्रांग कर लीजिए। विमान नहीं पढ़ना है, हमारा मेहनत का पैसा, एक पैसा किसी लैब, कोई एक्सरे वाला या एमआरआई वाला या नर्सिंग होम या डॉक्टर को एक रुपया नहीं देना है, क्योंकि हमें विमान नहीं पढ़ना है। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस जीवन का, ये जीवन एक ही बार मिला है, ये मत भूलिएगा। तो अभी प्रोजेक्टर मॉल का मेन कॉन्सेप्ट है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। टोटल टॉपिक को अंदर घुसिए, सारा टॉपिक को देखिए, आप घर में बैठकर इज्जत के साथ धनी भी होंगे, इज्जत भी मिलेगा, रात का नींद खराब नहीं होगा, नॉलेज भी गैदर होगा ये चैनल का माध्यम से। समझ गए ना, यही है मकसद ये चैनल का। तो अभी देखिए प्रोजेक्टर मैं चलाकर दिखाता हूँ। बीच बीच में हेल्थ जरूरी है, वो इसीलिए याद दिला देता हूँ, रिमाइंडर देना जरूरी है, क्योंकि आदमी भूल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करके दिखाते हैं कितना सुंदर पिक्चर बना है, और इसका ऑपरेटिंग किया है वो भी मैं दूंगा, साथ में रहिए, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग अगर नहीं आएगा, गलत ऑपरेटिंग रखेंगे तो प्रोजेक्टर जल्दी खराब होगा। खराब ना होने का कैसा सीक्रेट है आज मैं बोलने वाला हूँ, साथ में रहिए और वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए तो समझ में आएगा। ऑन करता हूँ, पावर केबल मैंने एकदम लाइन लगा के रखा है, पावर लगा रहा हूँ, देखिए लाइन आ गया। अभी सबसे पहले ढक्कन को खोलना है, ये ना खोल के ऑन मत कीजिए, ठीक है ना। क्या क्या है ये इसको पहले जानिए। ये है फोकस मिलाने का आइटम, ये जो नॉब दिख रहा है आपको, ये है फोकस मिलाने का नॉब, और ये है कीस्टोन का, ये बीच में ही रखना, ये इधर उधर मत करना, ठीक है ना, ये कीस्टोन है, ठीक है ना। और इसका जो कैमरा है एकदम शॉर्ट थ्रो कैमरा है, ये प्रोजेक्टर शॉर्ट थ्रो कैमरा है, मतलब ये है प्रोजेक्टर शॉर्ट थ्रो, ठीक है ना। और इसका मॉडल नंबर है EBS-41, एप्सन का EBS-41, कम से कम 4 साल पुराना मॉडल है, ये कस्टमर के पास 3 साल होने जा रहा है, लेकिन कस्टमर बहुत जतन से रखता है, एकदम नया जैसा है प्रोजेक्टर, लेकिन अंदर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था गलत ऑपरेटिंग के वजह से, तो ऑपरेटिंग किया होना चाहिए। एक बार आप लोग जान लीजिए, आपका प्रोजेक्टर नहीं बिगड़ेगा, आपका पैसा बचाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने का क्राइटेरिया क्या है, एक बार दबाएंगे और जब ऑफ करेंगे वो 2 बार दबाएंगे, ऑफ ऑन करने का तरीका। ये प्रोजेक्टर इस मॉडल में जब भी पावर बटन को 2 बार दबाएंगे ऑफ हो जाएगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, तुरंत। इसमें 90 सेकेंड 30 सेकेंड नहीं, नहीं नहीं लगता, कोई कोई मॉडल में 30 सेकेंड लगता है, कोई कोई मॉडल में 1.5 मिनट लगता है। DLP प्रोजेक्टर में वही फैसिलिटी ज़्यादा होता है, किसी में 30 सेकेंड लगता है, किसी में 90 सेकेंड लगता है, मतलब हाफ मिनट या तो 1.5 मिनट, ठीक है ना। अभी इसको जब ऑन करने से पहले मैं बोल लेता हूँ, जब ऑफ करेंगे, मान के चलिए प्रोजेक्टर आपने ऑन किया है, ऑन करने के बाद जब ऑफ करेंगे, आपका काम खत्म हो गया तो ऑफ करेंगे, हाथों हाथ तो बिजली खोलेंगे, लेकिन अगर आपको लगे, मान के चलिए 2-5 मिनट के लिए इसको स्क्रीन ढकना है, तो गलती से भी ये मत लगाइएगा, गलती से भी, ये गलत ऑपरेटिंग है, ये खोल के रखना है। अगर आपको पिक्चर ढककर लैपटॉप पे कुछ करना है, ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन पब्लिक ना देखे, वो काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 इंच दूरी पे, ठीक है ना, दूरी पे यहाँ पे कुछ खड़ा कर देना, क्योंकि फोकस आगे ना जाए, इसके सामने मत रखिए कुछ भी, खाता बुक ऐसा ऐसा करके, ऐसा कोई भी बुक
कार्टून कागज से गलती से भी मत ढकिए, प्रोजेक्टर में बहुत प्रेशर पड़ता है और इधर से गर्म हवा निकलता है। प्लानिंग को समझिए, ये काम जो करता है उसी से प्रोजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये गर्म हवा निकलता है, यहाँ पे अगर बुक बुक कोई रख देगा हवा किधर जाएगा, सोचिए, हवा नहीं निकल पाएगा ना। हम अगर ऐसे करके रखेंगे हम एयर अंदर नहीं ले पाएंगे। अब ये कर कर हवा बाहर कितना बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हमारा बॉडी के साथ ये मैचिंग है। तो भी मैं ये कहानी बोल बोल कर आदमी को समझाने का कोशिश करता हूँ, इसको ऑपरेटिंग कैसा करना है। सही ऑपरेटिंग नहीं होगा तो प्रोजेक्टर बिगड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति का प्रोजेक्टर ले लिया है तो उसका कम से कम लॉन्ग लास्टिंग करे। दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिसके पास प्रोजेक्टर है और जिस जो खरीदने वाला है, ये प्रोजेक्टर का जितना वीडियो मैंने दिया हूँ यूट्यूब में आप देखे हैं, तो दूसरा दोस्तों को आप जरूर शेयर करके रखिए। भविष्य में बहुत फायदा होगा उसका, आपका एक अवेयरनेस, उसका जो पैसा बचेगा ऊपर वाला आपको रिवार्ड देगा, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मानव का कोई भी आप काम करेंगे, फायदामंद काम करेंगे, आपका पैसा ना आए उसके पैसा बराबर नहीं है, लेकिन आपका ये शेयरिंग क्यों करेंगे, इसका रीजन मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। मान के चलिए किसी का नॉलेज नहीं है, आपने उसको ये वीडियो शेयर कर दिया प्रोजेक्टर का, वो जब प्रोजेक्टर का वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा इसको ऑपरेटिंग कैसे करना है और सही चीज खरीदना है, तो उसको पैसा बचेगा ना। पैसा बचेगा तो वो मन ही मन आपको आशीर्वाद दे या ना दे, आपका ये वीडियो शेयरिंग के लिए उसका तो फायदा ही हुआ ना। तो वो आपको अच्छा बोले या ना बोले, ऊपर वाला आपका अच्छा जरूर करेगा, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है, क्योंकि मैं उसी का जीता जागता प्रूफ हूँ। आदमी को सही परामर्श दिया, सही सेवा किया, को किसी किसी टाइम बिना पैसा किया, तो अब जाकर कस्टमर ने मेरे पास ये प्रोजेक्टर का लाइन लगा दिया, भाई सही सर्विस चाहिए तो अधिकारी के पास जाना है, प्रोजेक्टर मॉल में जाना है, ठीक है ना। हमें एक ही बार रोएंगे, बार बार नहीं रोएंगे, क्योंकि यहाँ से जब प्रोजेक्टर जाएगा और मेरा फॉर्मूला में अगर प्रोजेक्टर कोई चलाएगा, बहुत कम रेयर एक्सीडेंटल मैटर छोड़कर, एक्सीडेंटल कैसा, शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली आपका घर में कुछ बिगड़ गया, ये प्रोजेक्टर को जेनरेटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मत कीजिए, या तो यूपीएस लगा दीजिए कम से कम 1 KB का साथ में, या तो होम यूपीएस लगा दीजिए, स्टेबिलाइजर ऑटो काट वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा, ये नहीं खराब होगा। इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट बहुत माइनिंग रखता है, जैसे कंप्यूटर में मतलब सेंसिटिव होता है ना, यूपीएस साथ में रहता है, क्योंकि बिजली का थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करेगा, जैसे डेस्कटॉप में बहुत वाइटल क्रिएट होता है, प्रोजेक्टर में भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और गलती से भी दोस्तों, ऑन करने से पहले ये माइंड में मेरा था जो बोलूँगा, ये हल्का वाला केबल मत यूज कीजिए, ऐसा मजबूत वाला केबल यूज कीजिए, हल्का केबल एकदम गलती से भी यूज नहीं करना है, सस्ता वाला, ठीक है, आपको देखकर ही समझ में आएगा जो हल्का है। ऑर्डिनरी केबल यूज नहीं करना है, मेरा बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, समझिएगा, सीक्रेट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, आदमी का पैसा बचाने के लिए, मेरा नॉलेज से उनका पैसा बचेगा, ऊपर वाला मुझे रिवार्ड देगा, इसी मकसद से मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं तो अभी बोल देता ये चेंज कर दिया, ये मैंने चेंज कर दिया, हो गया वीडियो खत्म। इतना कहानी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, गलती यही पे करता है आदमी लोग, गलती यही पे करता है, हल्का वाला केबल लगाता है, गलती से भी ये हल्का वाला केबल नहीं लगाना, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो सामने वाला ढकने का कहानी है, ये आपको याद रखना है। और जो एक बड़ा सीक्रेट है, मान के चलिए आपने गलती से ऑफ कर दिया, मान के चलिए ऑफ हो गया, अभी आपको दोबारा प्रोजेक्टर हाथों हाथ चलाना है, मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथों हाथ मत चलाइए, कम से कम 10 मिनट बाद चलाइए, कम से कम 10 से 15 मिनट बाद इसको चलाइए, क्योंकि आपने जब ऑन किया है प्रोजेक्टर, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बात को बोल लेता हूँ, नहीं तो ये भूल जाऊंगा। सीक्रेट, आपने गलती से ऑफ कर दिया, ऑफ होने के बाद ये तो तुरंत ऑफ हो गया, लेकिन इसका जो लैम्प है ना बहुत हीट तेयर रहता है, तो भी तुरंत ठंडा नहीं होता, क्योंकि इसका ऑफिंग सिस्टम है, शटडाउन तुरंत क्विक शटडाउन है, लेकिन लैम्प तो ठंडा हुआ नहीं है ना, तो जब आप दोबारा प्रेशर करेंगे इसको तो लैम्प खराब होने का चांसेस रहेगा, और बोर्ड में भी प्रेशर
पड़ेगा जल्दी, इसीलिए कम से कम 10 मिनट फैन का नीचे रखिए प्रोजेक्टर को। नॉर्मली जब ठंडा होगा उसके बाद प्रोजेक्टर चलाना है, दोबारा अगर चलाना है तो आपको गलती से अगर ऑफ हो गया है तो, मान के चलिए आपके पास जनरेटर है नहीं, डायरेक्ट बिजली में चला रहे है, हो सकता है किसी भी कारण आपको चलाना पड़ा है लेकिन आपके पास मतलब रनिंग रखने का ऑप्शन नहीं था, ऑफ हो गया गलती से, अभी तुरंत ऑफ होने के बाद इसको मत चलाइए। कम से कम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट बाद चलाएंगे प्रोजेक्टर, हंसी खुशी चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और बिजली आपने ऑफ कर दिया, तुरंत भाई बोला लगाओ अभी चलाओ, हम लेट नहीं कर सकते अभी चलाओ, तो गलती से भी ये ऑन हाथों हाथ नहीं करना। अगर ऑफ कर दिया कम से कम 10 से 15 मिनट, मैं तीसरा बार रिपीट करके दे रहा हूँ क्योंकि गलती यही पे ज़्यादा करता है आदमी लोग। ऑफ हो गया भाई लगाओ बिजली, लगाओ जल्दी ऑन करो, ये काम नहीं करना है। दोबारा मेरा रिक्वेस्ट है, इसी से प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ता है, ठीक है ना। इतना सीक्रेट थोड़ा सा मैं दिया हूँ, अभी चलिए ऑन करते हैं। एक बार दबाया, अभी देखिए तुरंत ये फैन चालू हुआ है, देखिए फोकस आ गया, ठीक है ना। लाइव देखिए, लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा सीक्रेट ट्रेनिंग आपको दुनिया में किसी चैनल में भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कमेंट्स करना ज़रूरी है क्योंकि मैं उसका हकदार हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सीक्रेट बोला हूँ आपका फायदा के लिए। ये देखिए ऑन हो गया, कितना सुंदर स्क्रीन, बहुत बड़ा स्क्रीन है इसका, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग करने का सीक्रेट अगर आपने खरीद लिया है तो पूरा सीक्रेट जानकर जितना दिन ज़्यादा चला सकते हैं, मैं दिल से चाहता हूँ आपका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करे, तभी तो मैं ये सारा सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ दोस्तों। ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे चलाइए, मैं अभी स्क्रीन आया है आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा और इसमें भी दिखाऊंगा, दोनों में साथ में रहिए, नॉलेज होगा आपका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ठीक है। एलसीडी प्रोजेक्टर ऐसे ही कम लॉन्ग लास्टिंग करता है लेकिन ऑपरेटिंग गलत होगा तो तुरंत बिगड़ता है, तो ये गलती ना हो इसीलिए मेरा ये मेहनत है, ऑपरेटिंग सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अभी चलिए मैं यहाँ का पहले वातावरण समझाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, सबसे पहले दोस्तों आपको फोकस मिलाना है, आपने जहाँ पे स्क्रीन लगाया है जितना डिस्टेंस आप अप डाउन करेंगे आगे पीछे करेंगे इसका फोकस उतना बार मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे, ये जो मैंने फोकस का नॉब दिखाया था, मैं फिर भी यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये वाला नॉब से जिधर घुमाने से लिखा क्लियर होता है वहाँ पे आपको रखना है, एकदम क्लियर होगा वहीं पे आप रखेंगे, वो फोकस मिल गया। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा पीछे करूँगा फिर फोकस मिलाना पड़ेगा, अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा आगे करना है आगे करेंगे, मतलब इसको जब भी हटाएंगे फोकस उतना बार आपको फोकस भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ये है पहला क्राइटेरिया। उसके बाद इसका जो कीस्टोन है ऑटो पे है तो ऑटोमेटिक कीस्टोन वो करेक्शन होता जाएगा, और आपको लगे जो थोड़ा ऊपर ज़्यादा हुआ है नीचे थोड़ा कम हुआ है थोड़ा सा ऐसे ही, अगर परमानेंट सेटिंग है तो कीस्टोन एकदम परमानेंट सेटिंग करना है, और कीस्टोन को बार बार जितना शेरशानी कम करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे जब हम हिलाते हैं वो कीस्टोन ऑटोमेटिक थोड़ा करेक्शन हो जाता है ऑटोमेटिकली, थोड़ा बहुत थोड़ा 19-20 रह जाता है, उसको रिमोट से आप मैन्युअली करेक्शन कर सकते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है ना। ये है दूसरा क्राइटेरिया, और यहाँ पे जितना ऑप्शन है यहाँ पे सोर्स का है, सोर्स इस मॉडल में ये EB-S41 में सोर्स ऑटो पे ही रखता है कंपनी, क्योंकि आप कुछ भी देंगे, ये HDMI देते हैं या तो VGA देते हैं या वीडियो देते हैं, सारा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये वीडियो का ऑप्शन है, ये VGA का ऑप्शन है, HDMI जो बोलते हैं वो इनपुट है, आप जो भी देंगे वो हर को चार्जिंग करके उसी को ले लेगा, ठीक है ना। इनपुट को लेकर कोई मगजमारी है नहीं, झंझट है नहीं, तो ऐसे आप देंगे। सबसे बड़ा वाइटल क्राइटेरिया ये याद रखिएगा, यहाँ पे लैम मूड जो है उसको इको मूड में ही रखना है, इको मूड में रखेंगे लैम का पावर बचेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, और प्रोजेक्टर में भी प्रेशर कम पड़ेगा वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ठीक है ना। वो हाई मूड में नहीं रखना है, नॉर्मल या हाई मूड में नहीं रखना है,
प्रोजेक्टर का लैम्प का मोड में, इको मोड जरूर करना है। वो सेटिंग में जाकर मैं स्क्रीन में कैसे करना है दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये जो मेनू है, ये मेनू बटन और ये है दाहिने बाएं, ये ऊपर नीच इसका खेल है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। अगर आप नहीं कर पाते, मुझे 24x7 days एनी डे एनी टाइम अगर मेरा नंबर बिजी है जरूर कॉल बैक जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको कॉल बैक करके मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कॉल लगता है मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए, सर इसका सेटिंग नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दीजिए। पैसा देने का चक्कर नहीं है, ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। मरेंगे तो ये सेवा करने का अवसर नहीं रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका ये प्राइमरी मैं सीक्रेट आपको बोल के रखता हूँ। अभी चलिए मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड में रखा हूँ। इसका जितना बड़ा स्क्रीन है ना, मेरा रूम में इतना बड़ा जगह है नहीं, छोटा रूम है, मेरा ऑफिस रूम है। इसके लिए मेरा प्लानिंग है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं 1200 square feet का एक हॉल रूम बना रहा हूँ। इसका ट्रेनिंग देने के लिए, यूट्यूब में वीडियो देने के लिए वो रूम मैं रेडी करूँगा। सारा काम हो रखा है, सीलिंग और खिड़की दरवाज़ा टाइल्स, ये तीन काम बाकी है। बहुत सुंदर मन में है और ऐसे ही सुंदर रूम मैं बनाकर उसमें मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। आगे साथ में रहिए, हमारा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए दोस्तों, प्रोजेक्टर मॉल का साथ दीजिए। प्रोजेक्टर का एनी टाइप ऑफ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कंसल्ट करना ना भूलिएगा, विजिट देना नहीं पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ। अगर मुझे समझ में आता है मैं आपको ऐसे ही बोल दूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं तो भगवान हूँ नहीं ना, यही से समझ में आ जाएगा आपका तकलीफ। डेड प्रोजेक्टर को लेकर मैं क्या कैसे बोलूँगा, क्यों डेड हुआ है? हो सकता है उसका पावर सप्लाई खराब हुआ हो, मेन बोर्ड खराब हुआ हो, क्योंकि पावर सप्लाई खराब होगा उसमें लाइट नहीं आएगा। मेन बोर्ड तो अगर खराब होगा, क्योंकि ये लाइट कौन जलाता है, मेन बोर्ड से जल रहा है ना, तो अगर नहीं जल रहा है क्या रीजन हो सकता है? यह तो पावर सप्लाई खराब है, यह तो मेन बोर्ड खराब है, इसका सोल्यूशन और क्या हो सकता है? मैं क्या यही चीज समझ जाऊंगा कौन सा चीज खराब है। तो प्रोजेक्टर अगर भेजेंगे 100% नया, आपको अभी दिखाऊंगा कितना नया बना है, शिद्दत से ऑनेस्टी के साथ काम किया हूँ और नौकर चाकर से नहीं कराया, मैं खुद किया हूँ प्रोजेक्टर, क्योंकि ये मेरा दिल का टुकड़े का चीज है। मैं इसको इसका काम इतना शिद्दत से करना पसंद करता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो अगर आपको नीचा करना है प्रोजेक्टर को, ये देखिए यहाँ पे नीचा करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए घुमा घुमा कर नीचे निकाल सकते हैं अगर आपको बढ़ाना है तो, ठीक है ना, जितना एडजस्ट करना है उससे। अगर नहीं होता है नीचे और कुछ दिखा दीजिए, ठीक है। लेकिन किताब कार्टून ये चीज नहीं देना है, ठीक है। पत्थर ईंट का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं हार्ड वाला, ठीक है ना, टाइल्स का टुकड़ा, किताब कागज कार्टून ये नहीं देना है गलती से भी। ये भी एक बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको ऐसा करना है ऐसे करना है कैसे भी, नीचे कागज कार्टून किताब ये नहीं देना है, क्योंकि नीचे लैम्प है, हीट होता है, लैम्प तो इधर है ना, ये गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, ये हीट होता है तो कभी कभार ये हीट से प्रॉब्लम ही हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं रखना है। ऐसे पूरा सरफेस प्लेन या कांच के ऊपर बैठाना है। लेकिन अगर ऐसा ऐसे करना है आपको याद रखना है, नीचे कागज कार्टून किताब ये यूज नहीं करना है, कोई हार्ड चीज यूज कीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको सेटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, जो गलती आदमी लोग करता है वो गलती मैं अभी इसको नीचा करने के लिए किताब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, कोई पे जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना, मैं इसी से अभी एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये किताब नहीं देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। चलिए अभी बैक कैमरा दिखाते हैं इसका फाइनली सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लाइट है, कितना पावरफुल है। जो बीच में ग्लेज दे रहा है वो एक्चुअली सनमाइका का बोर्ड है, इसीलिए ग्लेज दे रहा है। ये देखिए वो हट जाता है, ये
ठीक है ना, वो चंद्रमा जैसा जो दिख रहा है वो ग्लेजी के लिए, क्योंकि मैं ये व्हाइट बोर्ड पे मैंने लगाया हूँ लेकिन वो ग्लोजी बोर्ड है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दिया आपको। अभी देखिए यहाँ पे आपको कैसे जाना है, जब मेनू आप दबाएंगे, ये मेनू दबाने से आपका ये यहाँ पे मेनू आएगा। देखिए दोस्तों एकदम डे लाइट जैसा एकदम सारा का सारा 20 वाट का LED लैम्प है चारों तरफ। कितना लैम्प है देखिए, एक छोटा सा रूम है ठीक है ना, कितना लैम्प है चारों तरफ देख लीजिए, सारा 20 वाट का लैम्प है। इतना डे लाइट जैसा घर के अंदर ये मैंने जो प्रोजेक्टर चलाया हूँ, इसका पिक्चर क्वालिटी जो मैंने बना दिया, देखिए इसका स्क्रीन और लैपटॉप का स्क्रीन कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है ना। ये छोटा स्क्रीन है और उसका और अच्छा दिखेगा, जब वो ग्लोसी नहीं रहेगा अगर मैट होगा और अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये नॉर्मल एक व्हाइट बोर्ड है ग्लोजी वाला, ठीक है। फिर भी ये जमीन आसमान जैसा उसका लाइट का पावर है, देखिए एकदम डे लाइट। और ये सारा अंधेरा कर देंगे तो कितना और चमकेगा, देखिए एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था जो कलर किया रखना है, कलर एक बार देखिए, कलर को देख लेते हैं, मेनू दबाते हैं। जब तक इसमें इनपुट नहीं देंगे तब तक ये जो इमेज का सेक्शन है, कलर मोड, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये कलर सेचुरेशन, ये एक्टिव नहीं होगा, ये सारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। अभी देखिए कलर मोड यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे है, प्रेजेंटेशन पे अभी कैसे जाएंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेनू में जाने से के ये जो मेनू है, मेनू बटन में जाने के बाद ये आया ना, अभी कलर मोड को सिलेक्शन कैसे करेंगे, अभी ये दाहिने वाला दबाना है, ये राइट हैंड वाला है, देखिए ये ऊपर, ये नीच, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। ये चार बटन को इसी से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर बैक करना है ESC दबाना है, ठीक है ना, ESC दबाना है। और ये है सोर्स का बटन, देखिए सारा मैंने परिचय करा रहा हूँ। और ये है होम, होम में तो जब ऑन करते हैं तो भी होम में ही रहता है, तो भी मैंने मेनू दबाया, अभी जाएंगे इससे दबाएंगे तो चेंजिंग होगा, देखिए ये देखिए वो सिलेक्शन हो गया, जो पीला कलर हुआ है वो सिलेक्शन हुआ है। अभी देखिए वहाँ पे प्रेजेंटेशन है ना, उसको यहाँ पे लाएंगे, ये कैसे आया, इसको दबाया, इसको है एंटर, इसको बोलते हैं एंटर, इसको एंटर किया। अभी देखिए आपको इसमें सबसे पहले सबसे बढ़िया पिक्चर होगा 8GB में रखना है, ठीक है, 8GB में रखेंगे बढ़िया पिक्चर होगा। और लैम्प में थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में रखेंगे, देखिए प्रेजेंटेशन में रखेंगे ब्राइटनेस बढ़ेगा, इसका लैम्प का पावर थोड़ा ज़्यादा खाएगा। अगर आप अंधेरा करके देखते हैं तो 8GB में देखिएगा, ठीक है ना। यह है इसका फंडा, मैं फिलहाल इसी में मतलब सेटिंग आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जब भी आपको बैक करना है, ये है बैक, मतलब ESC मतलब ये है बैक बॉटम, ठीक है ना। ये सारा बॉटम को आपको बढ़िया से जानना है। अगर रिमोट से करेंगे तो रिमोट में भी इसका सारा फंक्शन सेम ही है, नो टेंशन। और वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग आइटम है। अभी देखिए इसका तो हो गया, अभी कलर सेचुरेशन इतना जितना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट 50-50, ये सारा ऐसे ही रहेगा, इसको शेरशानी मत कीजिए, ठीक है। करेंगे पिक्चर क्वालिटी घटेगा और इधर उधर भटकेगा। अभी देखिए सिग्नल किया है आपको, सिग्नल कैसे दिखेंगे, फिर आप एक बार बैक कीजिए, एक बार बैक करने से देखिए मैं बोल के कर रहा हूँ, एक बार बैक करने से इमेज में रहेगा। फिर नीचे वाला बटन जो ऊपर नीचे वाला बटन है, ये नीचे वाला बटन दबाएंगे सिग्नल में आएगा, देखिए सिग्नल किया दिखा रहा है यहाँ पे। ये सिग्नल का जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड रेशियो नॉर्मली रहेगा, रेजोल्यूशन ये ऑटो पे ही ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें बार बार सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए सेटिंग थोड़ा देख लेते हैं, कीस्टोन है यहाँ पे, जूम नॉर्मल है, इसको कुछ सेशनी नहीं करना है जूम को, ठीक है, जैसे है ऐसे ही रहने दीजिए। फिर बैक कर लेते हैं, वॉल्यूम 5 है, ये स्पीकर का, यहाँ पे स्पीकर है देखिए पीछे, ये इसका स्पीकर का वॉल्यूम,
वहाँ पे वॉल्यूम जो पास दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपना हिसाब से कर सकते हैं। अलग से ऑडियो लगाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अलग से स्पीकर लगा लेना है, और उसके बाद लॉक सेटिंग में गलती से भी मत जाइए, और इसका जो जितना नीचे ये है इसको सेक्शन ही मत कीजिए। और उसके बाद फिर बैक करते हैं, अभी एक्सटेंडेड होम स्क्रीन डिस्प्ले यूजर लोगो प्रोजेक्टर फ्रंट, इसको फ्रंट स्क्रीन से देख रहे इसको रेयर कर देंगे तो मतलब ये पिक्चर उल्टा हो जाएगा। अगर आपका पिक्चर उल्टा हो रहा है मतलब प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन जो है वो फ्रंट के जगह रेयर रहेगा तो ये पिक्चर उल्टा हो जाएगा, ये गलती से नहीं करना है। अगर रेयर स्क्रीन पे आप कर रहे हैं पीछे से आपको सामने दिखना है तो यहाँ पे रेयर कर देना है, ठीक है ना। लैंग्वेज गलती से भी चेंज मत कीजिएगा, और रिसेट गलती से भी मत मारिएगा, रिसेट मारेंगे तो लैंग्वेज बदल के चाइना हो जाएगा, उसके बाद आपका टेंशन बढ़ेगा। नेटवर्क पे जाता हूँ, वायरलेस मोड है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इसको सेक्शन ही नहीं करना है। देखिए इको मोड मैंने बताया था ना, इको मोड जरूर करना है, वो देखिए दाहिने तरफ इको मोड ऑन मैंने कर दिया हूँ, और ऑन ऑफ करने का तो आपको मैंने दिखा ही दिया, वो राइट हैंड वाला बटन दबाना है, ये देखिए नीचे नीचे जाना है, वहाँ पे जाकर एंटर मारने से ऑन ऑफ ऑप्शन आएगा, मैं तो ऑन करके ही रखा हूँ, बैक कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर बैक करता हूँ एक बार, फिर नॉर्मल में आया, इन्फो प्रोजेक्टर भाषण दिखा रहा है, रिसेट गलती से भी नहीं मारना है, ठीक है ना। इसे ये रिसेट ऑल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज चाइना बन जाएगा, उसके बाद आपको इंग्लिश लाना बहुत मुश्किल होगा। याद रखिएगा दोस्तों, उल्टा सीधा शेरशानी करके प्रोजेक्टर को खराब मत कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं सारा बैक ये देखिए, ये जो बैक बटन है इसको मैंने दोबारा बता देता हूँ एक बार, याद रखिए, ये है होम, ये मेनू, ये ऊपर, ये नीच, ये लेफ्ट राइट, और ये बैक, इसका सारा बटन का, और ये है सोर्स। सोर्स को आपको शेरशानी नहीं करना, ये ऑटो पे ही है, ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है ना। और ये पावर बटन, और यहाँ पे स्टेटस कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो स्टेटस आ जाएगा। तो मैंने जो बताया था प्रोजेक्टर ऑफ करने के बाद तुरंत अगर करेंगे ये लैंप स्टेटस, इसमें बहुत कुछ मगजमारी घटाएगा ये प्रोजेक्टर खुद, ठीक है ना। ऑफ करके तुरंत नहीं चलाना है, 10 से 15 मिनट बाद चलाना है, ठीक है ना। अभी देखिए, तो मैं ये एकदम बैक करके फिर आ गया, ये होम में टचिंग करने से ये आ जाता है देखिए, और प्रोजेक्टर जब ऑन होता है यही स्क्रीन आकर रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बताना जरूरी समझा। और देखिए वहाँ पे सिग्नल कौन सा है दिखा रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर वीडियो चलेगा वीडियो में रहेगा, USB डिस्प्ले चलेगा तो USB डिस्प्ले दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है, सेटिंग बहुत अच्छा पे ही रखना है तभी प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। पिक्चर चला के देख लेते हैं, पिक्चर कैसे दिखता है नॉर्मल। देखिए दोस्तों फुल HD पिक्चर कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम डे लाइट जैसा घर में। देखिए फॉलो कीजिए, फुल HD पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर है पिक्चर क्वालिटी। तो जब काम सही होगा तभी तो पिक्चर अच्छा दिखेगा, एकदम डे लाइट जैसा। अंधेरा करके दिखाएंगे तो कितना और मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए पूरा चारों तरफ लाइट ही लाइट है देखिए, और डे लाइट जैसा उसमें कितना सुंदर पिक्चर दिखते हैं देखिए, देखिए कितना सुंदर पिक्चर है दोस्तों। सामने सामने दिखा कर आप लोगों को, देखिए दोस्तों मेरा गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल का चौथे मंजिल के ऊपर कल्टीवेशन वीडियो मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी डालने वाला हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, मेरा वीडियो आने वाला है तुरंत। तो दोस्तों मैं एकदम प्रोजेक्टर का यही बता रहा हूँ, जो ये प्रोजेक्टर का तस्वीर एकदम नया बन गया, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम विफल नहीं होगा दोस्तों। टोटली ये हेल्दी टॉपिक फॉलो जरूर कीजिए, और मेरा साथ आप लोग जरूर देंगे ये मेरा उम्मीद है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयरिंग करके पैसा बचाने में मदद कीजिएगा, यही है ये चैनल का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
एक्चुअली प्रोजेक्टर मॉल का मूल मकसद है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैनल में मल्टी टॉपिक तो आएगा ही आएगा, तो प्लीज हर टॉपिक को एक बार शांति से देखिए, सीखिए, अप्लाई करना शुरू कीजिए। आप हेल्दी वेल्दी आनंद के साथ इस जिंदगी से टाटा बाय बाय कर सकते हैं, टेंशन लेकर नहीं, ठीक है, आनंद के साथ, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं सिर्फ और सिर्फ आनंद करने के लिए, ठीक है ना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आनंद करते करते जब जाएंगे हमारा कितना शांति से हमारा जनरेशन भी प्राउड फील करेगा। ऑनेस्टी के साथ जो इनकम का जरिया है BTRL का अकाउंट खोलना, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मेरा टॉपिक में सारा टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों। आज और वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मेरा ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन बहुत बहुत शुभ रहे, मेरा फिर से नमस्कार, थैंक यू।